हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे सोडियम हाइपोक्लोराइड की। हमने देख चुके हैं अभी तक कि हमने उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है और उसके एक्सीडेंट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। और आज की जो ये थर्ड पार्ट है वीडियो का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आखिरकार हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड अच्छे से यूज़ कैसे करना है ताकि उसका फुल इफेक्ट आ सके, उसको बाहर जाने से कैसे रोकना है कि पेरिएपाइकल रीजन में ना चला जाए या ओरल कैविटी के अंदर ना जाए, उसको कितना यूज़ करना है, ये सारी बातें आज भी हमारे सामने एक क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज आपके सामने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ डॉक्टर सुचेता शर्मा को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। और हमारे क्लिनिक के अंदर डॉक्टर सुचेता शर्मा ही एंडो करती हैं और एंडो के टॉपिक्स को सिखाती हैं। आप जैसे अगर कोई जना हमारे पास आता है जनरल डेंटिस्ट्री या एंडो कोर्स के लिए, और अगर आप ये सारा सब कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, ये चाहते हैं हम आपका हैंड होल्ड करें जब आपकी फर्स्ट RCT कर रहे हो, तो आपको जानते हैं कि आज आपको इसी नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है और कोर्सेस को सब्सक्राइब भी करना है। तो आगे चलने से पहले बस मैं आपसे छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। ओवर टू यू डॉक्टर सुचेता, अब आप हमें समझाइए कि हाइपो को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए सामान क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग हाइपो के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, इसको कैसे यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में इसको यूज़ करना है और क्या क्या प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने हैं ताकि हम हाइपो एक्सीडेंट्स से बच सकें और इसको बेस्ट एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर सकें। सो हाइपो यूज़ करने के लिए, इरिगेशन के लिए जो जो हमें आर्मामेंटेरियम चाहिए, वी वर शॉर्ट ऑफ फ्यू आर्मामेंटेरियम, फ्यू थिंग्स। सो हमने डेंटल कार्ड से चीज़ें कुछ ऑर्डर की हैं जो मैं अनरैप करके आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए सक्शन टिप। दिस इज़ माइक्रो कैनुला, माइक्रो सक्शन फ्रॉम सर्कामेड। इसके ऊपर ये ऐसे टिप लगी होती है और ये आपके रेगुलर सक्शन टिप के ऊपर अटैच हो जाता है यहाँ से। तो ये एक अटैचमेंट हो गई जो आपके इरिगेंट को कैनाल के अंदर से एस्पिरेट करके ले आएगा। दिस इज़ मस्ट। सेकेंड थिंग, वी हैव इरिगेशन नीडल्स और टिप्स। दिस इज़ फ्रॉम वॉल्डेंट, ये हमारे पास वॉल्डेंट से है और ये 30 गेज की नीडल्स हैं एंड दीज आर साइड वेंटेड नीडल्स। आप देख सकते हैं साइड वेंट है, यानी कि इसमें जो इरिगेंट है वो साइड से निकलने वाला है, ना कि एक जेट की तरह सामने से। सो साइड वेंटेड नीडल्स आर ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर रेगुलर नीडल्स, बिकॉज जो साइड वेंटेड नीडल है उनका ना एक बेनिफिट होता है कि जो आपका इरिगेंट है आपकी कैनाल के अंदर, जब आप इसको इरिगेंट को डालते हैं या पुश करते हैं, तो ये बियॉन्ड एपेक्स आपके इरिगेंट को पुश ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखता है। एंड इसके साथ स्टॉपर आता है, आप अपनी वर्किंग लेंथ के अकॉर्डिंग स्टॉपर इस पर एडजस्ट कर सकते हो। एंड दीज नीडल्स, और इन नीडल्स को आपको अपनी स्टॉपर आप अपनी वर्किंग लेंथ से 2 mm शॉर्ट रखेंगे ताकि आप सेफ इरिगेशन कर सकें। और इसको आप बेंड करके अपनी, इसको राउंड बेंड देना है आपने, लाइक दिस। बेंड शुड नॉट बी शार्प, शार्प होगा तो ब्रेकेज के चांसेस हो जाएंगे। अगर ये आपकी कैनाल में ब्रेकेज, अगर ये आपकी कैनाल में ब्रेक हो गया तो इंस्ट्रूमेंट फ्रैक्चर, अगेन इट्स अ कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट थिंग, ल्यूअर लॉक सिरिंजेस। ल्यूअर लॉक सिरिंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट।
सी रेगुलर सिरिंज में क्या होता है, रेगुलर सिरिंज में हमारे पास यहाँ पर ये लॉक देख रहे हैं आप, दिस स्पाइरल लॉक, ये लॉक नहीं होता. ल्यूअर लॉक सिरिंजेस में ये लॉक है. इसका मतलब क्या है कि नीडल यहाँ पर लॉक हो जाएगी और एक्सीडेंटल ओपनिंग ऑफ और या एक्सीडेंटल डिटैचमेंट ऑफ नीडल फ्रॉम द सिरिंज बैरल विल बी अवॉइडेड. सी दिस हैज़ बीन लॉक्ड नाउ. रेगुलर सिरिंजेस में हमारी ये फंक्शन नहीं होता है. सो ल्यूअर लॉक सिरिंजेस आर ऑलवेज प्रेफरेबल एंड दीज आर मस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर हाइपो इरीगेशन. नेक्स्ट थिंग और जिसके बारे में हम सारी बात ही कर रहे हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड. सोडियम हाइपोक्लोराइड की जो सोल्यूशन है आपको 5.25 कंसेंट्रेशन रिकमेंडेड होता है फॉर एंडो इरीगेशन. लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 3% से शुरू करें ताकि आपका जो फियर है वो ख़त्म हो सके हाइपो एक्सीडेंट्स का. हमारे पास ये सेफ एंडो कंपनी से है. सरकमेड कंपनी का भी जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है बहुत ही अच्छा है. और इसकी जो बॉटल्स होती हैं प्रेफरेबली डार्क कलर होनी चाहिए या फिर बिल्कुल वाइट, सो दैट इन बॉटल्स, ये जो बॉटल्स हैं ये लाइट पास ना होने दें और आपका जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है सेम स्टेट में विदाउट गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड सेम स्टेट में पूरी एफिशिएंसी के साथ आपको हर टाइम अवेलेबल रहे. अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन बॉटल्स के ऊपर एक डिस्पेंसिंग होल बना हुआ है. डिस्पेंसिंग होल से आपको कैसे लेना है ये बॉटल्स का ध्यान रखना है आपने. ये बॉटल्स डिस्पेंसिंग होल के साथ वाली बॉटल होनी चाहिए. इस तरह से आप अपनी ल्यूअर लॉक सिरिंज को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं एंड आप जब एस्पिरेट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन, उसको अनलॉक करिए. And this will be in your syringe like this. उसके बाद आप यहाँ से बॉटल को टिश्यू पेपर से साफ कर सकते हो और अपनी नीडल को भी टिश्यू सॉरी सिरिंज को भी टिश्यू पेपर से साफ कर सकते हो ताकि कहीं से भी हाइपो की एक ड्रॉप भी या फिर ज़रा भी आपके क्लोथ्स पे या कहीं और आपके ग्लव्स पे किसी भी तरह से लगा ना रहे. इस तरह से आप हाइपो डिस्पेंसिंग बॉटल से कर सकते हैं. फिलहाल मैं इसको कैप करके रख रही हूँ सेफली. नेक्स्ट थिंग वी हैव सोनिक इरिगेटर. दिस इज़ फॉर एक्टिवेशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इनसाइड द किनाल. फॉर एक्टिवेशन वी हैव सोनिक इरिगेटर, सोनिक एक्टिवेटर और अल्ट्रासोनिक एक्टिवेटर. टू थिंग्स, सोनिक और अल्ट्रासोनिक एक्टिवेटर्स में डिफरेंस ये है कि सोनिक एक्टिवेटर जो है 10,000 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है मैक्सिमम और अल्ट्रासोनिक जो है 20,000 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है. जैसे ये हमारे पास सोनिक जो है सुपर एंडो से है और इसके अंदर तीन फ्रीक्वेंसी हैं, 4 मेगाहर्ट्ज, 6 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज, ये तीन पे काम करता है. इस तरह से ये वाइब्रेट करता है, यू कैन सी. इसके साथ टिप्स आती हैं, डिफरेंट टिप्स. सी 15 2%, 25 4%, 35 4%. कलर कोडिंग कुछ इस तरह से है. यू कैन यूज़ टिप्स अकॉर्डिंग टू योर मास्टर पाइकल फाइल. जो आपने मास्टर पाइकल फाइल यूज़ की है उससे पतली, उससे छोटे नंबर की आप टिप यूज़ करेंगे फॉर सोनिक एक्टिवेशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड. नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक, दिस इज़ अल्ट्रासोनिक यूनिट. इसके साथ भी जैसे आप देख रहे हो ये टिप है, एक ये टिप है, ये भी वॉल्डेंट से है हमारे पास सोनी की सॉरी अल्ट्रासोनिक इरिगेटर. इसमें दो टिप्स और हैं इसके साथ और ये तीसरी टिप
हमने इसके ऊपर लगाई हुई है। इस पे ऑन एंड ऑफ बटन है, ऐसे हम इसको ऑन करते हैं, इट इज़ वाइब्रेटिंग सी, इट्स वर्किंग, इट्स इन वर्किंग मोड। इसका बस बेनिफिट यही है, मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आवाज़ भी नहीं आती है इसमें, पता भी नहीं चलता है कि ये काम कर रहा है, ये किसकी अच्छी बात है। अब अगर मेन डिफरेंस की हम बात करें सोनिक और अल्ट्रासोनिक में, आपने देख ही लिया जैसे कि इसके साथ मेटल टिप्स हैं और सोनिक के साथ फाइबर टिप्स हैं। सो वाई सोनिक इरीगेटर इज़ माई फेवरेट, बिकॉज इसके साथ फाइबर टिप्स हैं, इसमें फाइबर टिप्स की कैनाल में बाइंडिंग के और ब्रेकेज के चांसेस कम हैं, ना के बराबर, और ये अननेसेसरी डेंटिंग भी कट नहीं कर रहा है। हालांकि अल्ट्रासोनिक भी अननेसेसरी डेंटिंग कट नहीं कर रहा है अगर ये कैनाल में बाइंड नहीं करती है टिप। तो अगर आपकी कैनाल में किसी भी तरह से टिप बाइंड कर रही है तो ये अनइंटेंशनली आप डेंटिन कट करने वाले हैं। नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास ये अल्ट्रासोनिक यूनिट अलग से नहीं है तो आपका ये एक अटैचमेंट, वैसे तो आप इसको बाय भी कर सकते हो, बाकी आपकी नॉर्मल अल्ट्रासोनिक यूनिट जो भी आप स्केलिंग के लिए यूज़ करते हो उसके साथ आता है ये, दिस इज़ फ्रॉम वुडपेकर। इस तरह से आप इसमें अपनी अल्ट्रासोनिक टिप लगा सकते हो फॉर इरिगेशन और इरिगेशन एक्टिवेशन। दीज आर बेसिकली यू फाइल्स जो मैंने ये लगाई है, ये हमने अलग से बाई की हुई हैं। ताकि हम अगर 3-4 चेयर पे एक साथ काम कर रहे हैं तो सब जगह पे ये अलग अलग आर्मामेटेरियम को यूज़ किया जा सके। दिस इज़ की फॉर टाइटनिंग दिस। नेक्स्ट मेरा फेवरेट टूल आर्मामेंटेरियम में वो ये है कि हमारे पास D600 है फ्रॉम वुडपेकर, ये भी एक अल्ट्रासोनिक यूनिट है और ये मल्टीपर्पज़ है। इसके साथ में हम यहाँ पे अपना इरीगेंट डाल के रख सकते हैं, इसमें बेसिकली डिस्टिल वाटर यूज़ होता है और कूलेंट का भी काम करता है ये। बस ये वायरलेस नहीं है, ये इसका एक नुकसान मुझे लगता है। ये हैंड पीस है, स्केलर भी, एज अ स्केलर भी इसको हम यूज़ करते हैं, इसमें अल्ट्रासोनिक टिप्स भी लग जाती हैं, एंडो टिप्स भी लग जाती हैं, इसके साथ आती हैं, एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पस। दिस सॉल्व्स माई मैनी प्रॉब्लम्स, लाइक आई कैन यूज़ इट फॉर एक्सेस रिफाइनमेंट, ACP रिफाइनमेंट के टाइम पे मैं इसको यूज़ करती हूँ, पल्प स्टोन रिमूवल के टाइम पे इसको यूज़ करती हूँ, एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर एट द टाइम ऑफ माई फाइल रिट्रीवल्स, और इट कैन बी यूज इन अ रेगुलर बेसिस फॉर स्केलिंग। और जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी अब बात कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक इरीगेशन और अल्ट्रासोनिक एक्टिवेशन ऑफ इरीगेंट। नेक्स्ट वी हैव ऑब्चुरेशन पेन, अगेन दिस इज फ्रॉम वॉल्डेंट। ये बहुत डिफरेंट सा और ब्यूटीफुल सा एक टूल है, इसमें आप देख रहे हैं ये इसका फ्रंट व्यू, और ये यहाँ पर इसकी टिप्स अटैच हो जाती हैं, इसके साथ में डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस की टिप्स हैं। ये इसके दो बटन हैं फॉर हीटिंग, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का बटन है, इस तरह से ऑन हो जाता है, और इसमें 4 मोड अवेलेबल हैं। शॉर्ट में बता देती हूँ, बाकी डिटेल वीडियो हम इसकी अब बनाएंगे, यू कैन सी दैट वीडियो। इसमें F इज़ फॉर एक्स्ट्रा फाइन टिप, FM इज़ फॉर फाइन टिप, M एंड मीडियम, M एंड ML इज़ फॉर मीडियम एंड मीडियम लार्ज। सो दीज बटन्स आर फॉर हीटिंग, जब हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे, इसमें दो मोड होते हैं, एक सो लो टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर विल बी 160 डिग्री एंड हाई टेम्परेचर विल बी 200 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज ऑब्चुरेशन पेन एंड दिस इज़ यूज फॉर हीटिंग ऑफ हाइपो। नाउ व्हाई वी डू हीट हाइपो, हाइपो हीटिंग, आफ्टर हीटिंग हाइपो, हाइपो की एफिशिएंसी हम बढ़ा रहे हैं। हीटेड हाइपो इज मोर एफिशिएंट देन कोल्ड हाइपो, एंड दिस हीटिंग इज डन फॉर 5 सेकेंड्स इनसाइड द कैनाल। वट वी डू, वी फिल द कैनाल विद हाइपोक्लोराइट एंड वी कीप दिस टिप, वी पुट द टिप इनसाइड द कैनाल एंड हीट फॉर 5 सेकेंड्स।
माइंड इट ओनली फॉर 5 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस फाइल शुड नॉट बाइंड और दिस टिप शुड नॉट बाइंड इन साइड द केनाल सो दैट हीट वुड नॉट गेट ट्रांसफर्ड टूवर्ड्स द वॉल एंड इवेंचुअली टूवर्ड्स PDL. तो हीट PDL पे ट्रांसफर हमने नहीं करनी है. इट शुड नॉट बी मोर देन 5 सेकेंड्स, हीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 5 सेकेंड्स. एंड कीप योर हीटेड हाइपोक्लोराइड इन साइड द केनाल फॉर फ्यू सेकेंड्स, देन इरीगेट इट विद फाइनल रिंस और योर नॉर्मल सलाइन और योर डिस्टिल वाटर, वट एवर यू वॉन्ट और वट एवर यू लाइक. हाइपो शुड नॉट बी द लास्ट इरीगेंट. अब हम ये बात करेंगे कि वाई एंड हाउ हाइपो लास्ट इरीगेंट क्यों नहीं होना चाहिए और कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं. हम एक्सट्रैक्टेड टूथ पे ये एक्टिवेशन और आपका हीटिंग ऑफ हाइपो देखेंगे. पहले मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ. पहले हम BMP कर लेंगे विद हाइपो इनसाइड केनाल. सारी फाइलिंग के टाइम पे हाइपो आपका केनाल्स में रहेगा. उसके बाद एक सिटिंग हम सिर्फ इरिगेशन के लिए देते हैं, अगर आप मल्टीपल सिटिंग RCT कर रहे हैं तो. इरिगेशन में आपको क्या करना है, पहले आप प्लेंटी ऑफ नॉर्मल सलाइन के साथ उसको फ्लश कर लीजिए, इरिगेट कर लीजिए ऑल केनाल्स, सब केनाल्स को. फिर उसके बाद आप EDTA सबसे पहले यूज़ करेंगे बिकॉज EDTA वर्क्स ऑन इनऑर्गेनिक पार्ट मोर. तो ये डेंटीन पे ज़्यादा काम करेगा, सारे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को अच्छे से ओपन अप कर देगा और स्मेयर लेयर को रिमूव कर देगा. तो पहले EDTA का यूज़ करना है, 1 ml EDTA पर केनाल एंड एक्टिवेशन विद सोनिक इरीगेटर 45 सेकेंड्स पर केनाल. EDTA जब केनाल के अंदर है तो उसको एक्टिवेट करना है फॉर 45 सेकेंड्स, हर केनाल के अंदर 45 सेकेंड्स. ये करने के बाद उसको हम नॉर्मल सलाइन से इरीगेट करेंगे बहुत अच्छे से. नेक्स्ट इरीगेंट विल बी सोडियम हाइपोक्लोराइट. इट शुड नॉट बी यूज्ड इन ml, इट शुड बी यूज्ड इन ड्रॉप्स ओनली. We just have to fill the canal with sodium hypochlorite. We don't have to give a jet. We don't have to use sodium hypochlorite in ml's. हमें क्या करना है, just look at it. मैंने अपनी साइड वेंट नीडल जो 30 gauge हम यूज़ कर रहे हैं, स्टॉपर मैंने जहाँ सेट किया था वहाँ तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. एंड आई एम यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड जस्ट फिलिंग द केनाल. चैम्बर में मुझे दिखाई भी दे रहा है सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स, बल्कि चैम्बर के अंदर भी आ गया है, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ केनाल को हमें फिल करने की ज़रूरत होती है. ये डालने के बाद अब मैं इसको सोनिक एक्टिवेटर से एक्टिवेट करूँगी. सो दिस इज़ माई सोनिक एक्टिवेटर और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया कि मैं इसको 34% से अपनी केनाल को प्रिपेयर कर चुकी हूँ. अब मैंने इसके अंदर एक्टिवेशन के लिए 25% वाली टिप लगाई है. तो एक नंबर छोटा जो भी आपने अपनी प्रिपरेशन किया है, मास्टर पाइकल फाइल रही है आपकी, उससे एक नंबर छोटा आप इसको यूज़ कर सकते हो. एंड अगेन मैंने इसका स्टॉपर 19 mm पे, यानी 1 mm शॉर्ट ऑफ वर्किंग लेंथ सेट कर लिया है. आई होप यू कैन अप्रिशिएट द लेंथ, वर्किंग लेंथ इन वीडियो. सो स्टॉपर इज बीइंग सेट ऑन 19 mm. अब मैं इसको एक्टिवेट करूंगी लाइक दिस. मुझे इस स्टॉपर से आगे, आई विल बी स्ट्रिक्ट टू माई वर्किंग लेंथ फॉर दिस एक्टिवेशन. ऐसे ये वाइब्रेट करता है एंड आई विल डू एक्टिवेशन लाइक दिस. आई यूज अप एंड डाउन मोशन फॉर एक्टिवेशन एंड टाइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 45 सेकेंड्स. ये ऐसे स्टॉप हो जाता है, फिर उसके बाद मैं इसको रिमूव कर लूँगी. दिस इज सोनिक एक्टिवेशन. नाउ आई विल बी शोइंग यू अल्ट्रासोनिक एक्टिवेशन एंड दिस इज अल्ट्रासोनिक एक्टिवेशन. वी विल बी यूजिंग दिस. इसमें हमें अप एंड डाउन मोशन करने की ज़रूरत नहीं है. वी विल बी कीपिंग दिस स्टिल इनसाइड द केनाल लाइक दिस. सी it is vibrating and activation is being done like this. We don't have to use the up and down motion and filing motion in this. We just have to keep it still
vibration will work. So this was activation of sodium hypochlorite. Now we will discuss heating of sodium hypochlorite inside the canal. Now we have filled the canal with hypo, again with few drops. Then I'll be using this obturation pen. This is from Waldent. Obturation pen. This is on and off button. ये मैंने इसको ऑन कर दिया और ये इसका हीटिंग बटन है. अब ये लो टेम्परेचर सेट है. लो टेम्परेचर सेट पे मैं इसको रिमेंबर वन थिंग हियर. दिस हीटिंग ऑफ हाइपो इन साइड द कैनाल शुड बी डन फॉर 5 seconds ओनली, नॉट मोर देन दैट. बिकॉज इफ वील बी डूइंग मोर देन 5 seconds, इट विल ट्रांसफर द हीट टू द डेंटिन, देन इवेंचुअली टू द PDL. We don't want the PDL to get stressed. So, we'll be heating this hypo for 5 seconds. Now, mind one thing. This tip was binding inside the canal. This should not be like this. This tip should not bind inside the canal. Nothing should bind inside the canal. Otherwise, it will, if this tip, heated tip will bind in the canal, it will transfer the heat towards PDL. So this tip selection is very important. Tip can be, you can use the thinnest tip or a tip with lesser diameter than your master apical file. Now what we have to do, we should keep this heated sodium hypochlorite inside the canal for few seconds so that it can work more efficiently or for more time. Then we should flush it with normal saline. Plenty of normal saline should be used after sodium hypochlorite. Remember one thing, sodium hypochlorite should not be the last irrigant because it can corrode canal. So it should not be the last irrigant. It should be flushed either with your normal saline or your distilled water, with plenty of normal saline or distilled water. After that, you can dry the canal and obturate. Remember one thing more, I missed this thing. This heating of hypo and activation of hypo should be done 3 times. So 3 consecutive cycles should be done of the same pattern, like heating of hypo. And one more thing, heating of hypo, after heated hypo, we should again activate it. We should again activate it. That means heated hypo should be activated once again. Heated hypo should be activated once again. Then it should be kept in the canal for few seconds. Then flush it with the normal saline or distilled water. And after that, you can dry it. You can aspirate all the irrigant inside the canal with micro cannula or with micro suction, which can be attached, the attachment I showed you earlier. That can be attached over your regular suction tip. After aspirating all the irrigant inside the canal, you can dry it with the paper points and then obturate. So this was all about sodium hypochlorite usage, activation, heating, and all the protocols. You should, and do not forget to drape your patient completely till the neck, and eyes should be covered. And your trained assistant should be on your side when you are using sodium hypochlorite. So all the best to you.